तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। रात के 2 बजे हार कपा देने वाली सर्दी में जब दिल्ली की सड़कें आम तौर पर सूनी हो जाती हैं, उस वक्त ये सड़क खचा खच भरी हुई है। बच्चे नींद में कुनमुना नहीं रहे बल्कि अपने भविष्य के लिए लड़ने को तैयार हो रहे हैं। माएं भी बच्चों को मीठी झिड़की नहीं दे रही कि इतनी रात तक जागो मत, बल्कि वे तो सरकार को नींद बेहोशी से जगाने के लिए खुद सड़क पर बैठ गई हैं। लड़कियां शाम के अंधेरे में निकलना नहीं चाहतीं, लेकिन जब देश में बदनीयती का अंधेरा छाने लगे तो फिर डर छोड़कर बाहर निकलना ही पड़ता है। कब तक रहना है आप? जब तक ये चलेगा तब तक? जब तक चलेगा तब तक रहेंगे। और यहाँ डर नहीं लगता? नहीं, है, बाकी है। नहीं, क्यों डरेंगे? क्यों डरना नहीं है? डरना नहीं, नहीं बिल्कुल। अगर डर गए तो मर गए। डर गया वो मर गए। तो ये नज़ारा है दिल्ली के शाहीन बाग का, जहां सरकार की चुप्पी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, आज़ादी की मांग हो रही है, दूसरे बंटवारे की साजिश के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। शाहीन यानी सफ़ेद बाज, जो अपने पंखों को साधते हुए आसमां में ऊंची उड़ान भरता है और जिसकी पैनी निगाहों से कोई बच नहीं सकता, इस वक्त शाहीन बाग की महिलाओं ने शाहीन जैसी मिसाल ही कायम की है। 15 दिसंबर से यानी 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया है और वे आंदोलन कर रही हैं। आंदोलन अपने बच्चों को बचाने का, आंदोलन संविधान को बचाने का, आंदोलन देश को बचाने का। सर्द रातों और संगदिल सरकार दोनों से सितम झेलते हुए डटी ये महिलाएं न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हैं और न ही किसी एनजीओ का हिस्सा हैं और न ही किसी सामाजिक संगठन का। 15 दिसंबर से पहले तो ये अपनी घर गृहस्थी, नौकरी, बच्चों में ही रमी हुई थी, लेकिन जामिया के बच्चों पर पुलिस ने लाठी बरसाई तो इन महिलाओं ने अपने आंचल का परचम बना लिया। अगर बच्चों ने काले कानून के खिलाफ आवाज उठाई और वो बच्चों पे अटैक करवा रहे हैं तो फिर हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे सेफ मांगे? ये संविधान की लड़ाई है और हम अपने भारत का संविधान बचा के रहेंगे। किसने बचाएंगे? अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बचाने बैठे ना, फ्यूचर हमारा काम आएगा ना। बच्चे मेरे जब से आए, जब से यहाँ पे सोता, यही खाते, यही सब। पैसे नहीं, कोई खाना दे जाता तो खा लेता, नहीं देता तो नहीं खाते। हम घर जाती हूँ, यहाँ थोड़े टाइम के लिए जाती हूँ, घर पे खाना वाना बना के आ जाती हूँ, बच्चों को वही संभाल के कहीं मेरे अंदर कुंडी लगा के खाना वाना बना के सब काम करके आ जाती हूँ यहीं पर। फिर यहाँ पूरी रात रुकती हूँ, फिर घर पर चली जाती हूँ 7 बजे, फिर वापस शाम में आ जाती हूँ। इतनी इतनी अच्छी सरकार हमारी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि बेटी पढ़ा रहे क्या? बेटियों को ले लेके यहाँ बैठे हैं, लड़कों को ले लेके बैठे यहाँ पे, किसने बैठे हैं? संविधान बचाने के लिए ना। तो एक ओर गृहस्थी की जिम्मेदारी तो दूसरी ओर देश की जिम्मेदारी उठाती हुई ये महिलाएं, इनकी पैनी निगाहों से बचने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन कब तक? सवाल एक ही है कि आखिर कब तक सरकार अपनी मनमानी करती रहेगी? कब तक शाहीन बाग में चल रहे इस सत्याग्रह को अनदेखा करती रहेगी? कब तक आंदोलनकारी इसी तरह बैठे रहेंगे और कहते रहेंगे कि हम इस देश में ये काला कानून लागू नहीं होने देंगे? शाहीन बाग के इन आंदोलनकारियों में सरकार की नीतियों और नए कानून के खिलाफ गुस्सा साफ देखा जा सकता है। ऐसे देखें तो इन आंदोलनकारियों में सभी तबके के लोग शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है। कड़कड़ाती ठंड, बरसात से बढ़ती परेशानी, रात का वक्त और जमीन पर दरी बिछाकर बैठे रहने के सिवा कोई सुविधा भी नहीं। फिर भी क्या सोचकर ये महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ बैठी हैं? दिल में क्या है? तो उनका जवाब है, हमारा संविधान वापस ले ले, अपने संविधान के लिए हम बैठे, NRC वापस ले ले। बच्चे को लेकर के भी बैठे? इतनी परेशानी, इतनी ठंड है, तबीयत खराब हो या कुछ हो तब भी हम आते हैं, अपने संविधान के लिए आ रहे हैं ना। अब बच्चे की भी तो परेशानी, हम लोग तो झेल लेंगे, बच्चे कैसे झेलेंगे? बच्चे को फीवर आ जाता है, खांसी हो जाती है, कुछ मतलब नहीं। हम लोग को तो परेशानी हो रहा है ना, जो ठंड में बैठे हुए वो देख नहीं रहे हमें कि हम इतनी ठंड में, बारिश में, हम 1 महीने से यहाँ बैठे हैं। कुछ तो बोले, क्या शपथ खाई थी यही हिंदुस्तान के लोगों को भगाने के लिए? कुछ दिन पहले IT सेल की ट्रोल आर्मी ने ये अफवाह फैलाई कि शाहीन बाग में प्रदर्शन में शामिल होने के लिए महिलाओं को 500-500 रुपए दिए जा रहे हैं, बिरयानी खिलाई जा रही है। दरअसल ये फेक है, झूठ है। इसके पीछे किन लोगों का हाथ है और कौन है जो इन सत्याग्रहियों को बदनाम कर रहा है, ये समझना कठिन नहीं है। लेकिन शाहीन बाग की ये वीरांगनाएं इन झूठे प्रचारकों और इनके हथकंडों से नहीं डरती।
क्योंकि आज तो उन्होंने कहा है कि 500 रुपए ले रहे हैं हम, हो सकता है कल को वो करेक्टर पे भी उंगलियां उठाएं, वो हमारे जाने कुछ भी करें, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं। 500 की बात है ना, हम हमारे पास आए, हमारे पास हमसे खुद 5000 रुपए ले जाए और हमको घर बैठा दे, एनआरसी वापस ले ले। ये मोदी जी जो बोलते हैं कि ये रुपया ले ले कर करके लेडीज को 500 रुपया दे करके, मोदी जी को इतना बड़ा औकात है कि मोदी जी 5 लाख रुपया भी देगा ना, फिर भी जा करके मोदी जी को हम लोग खरीद नहीं सकते, ठीक है, हम लोग बिकने वाली नहीं है 5 लाख रुपया में। अब बोल रहा है ना, झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग कोई लालची में नहीं बैठे, हम लोग हमके लिए बैठे, अपने आज़ादी के लिए बैठे, हम लोग पैसे के लालची में नहीं बैठे, ना हम किसी को पैसे के लालची में हम आए। तो सुना आपने कि किस तरह आने वाले खतरों को भांप कर भी ये बहादुर महिलाएं सच के साथ मैदान में डटी हुई हैं। दरअसल ये खुद को छला हुआ, ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। इनका कहना है कि मोदी जी तो हम लोगों के रहनुमा बनते थे, लेकिन आज हमारी बात सुनने भी तैयार नहीं हैं। 3 तलाक का मामला हमारा पर्सनल बात थी सारे मुसलमानों के लिए, हमने बर्दाश्त कर लिया, हमने कैसे खबर किया या हमें पता है। आज उसने ऐसे कांड करा, हर टाइम कभी हमें जेल से रोटी खाने नहीं दिया, पहले हर कांड में तलाक का मसला लाया, नोटबंदी करा, उसमें भी कितनी पब्लिक मर गया, कितनी बेकसूर गरीब भूखी प्यासी परेशान हो गया। 3 तलाक पर कानून लाकर मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने की बात कही थी, लेकिन आज उन्हें अपनी माताओं बहनों की बात सुनने की फुर्सत नहीं है। चुनौती हमारे देश को अभी एजुकेशन की जरूरत थी, बेरोजगारी जो है पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में है, तो हमारी सरकार को बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि CAA NRC जैसे कानून बनना चाहिए। ये जो कानून है कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे देश में जो विभाजन था जो पहले हो चुका था हिस्ट्री में, ये दोबारा से यही काम करना चाह रहे हैं, इससे कुछ नहीं हो रहा है, बस ये चाह रहे हैं ये नफरत फैलाना चाह रहे हैं। इन बच्चियों के हौसले को जानने समझने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी मुलाकात धरने पर बैठी उम्र दराज महिलाओं से होती है। क्या सोच के आए यहाँ? लोग अच्छाई के लिए आ रही है, आजादी के लिए आ रही है यहाँ, जो मोदी NRC आपसी ले ले, उसी के ले ले, जब तक वो अपना कानून वापस नहीं देंगे काला कानून, जब तक हम लोग यही रहेंगे। हम लोग रात भर रहते हैं आप? हाँ, रात भर यही रहते हैं। घर और घर को और यहाँ दोनों कैसे संभाल लेते हैं? संभाल लेते हैं, एक औरत क्या नहीं कर सकती, एक औरत क्या नहीं कर सकती। मोदी सारी औरत का, जब नोटबंदी हुआ था तो उसने सारी औरत का नोट निकाल दिया, तो एक मोदी को निकालने में क्या है, हम औरत निकाल देंगे। इसी शाहीन बाग में सिंबॉलिक डिटेंशन सेंटर भी बनाया गया है, यहाँ 2 महिलाएं खुद को कैद करती हुई नजर आती हैं। उनका कहना है कि हम माँ हैं और मोदी जी से उनकी यही उम्मीद है कि वे इन माओं की आवाज सुनेंगे, लेकिन सरकार से उन्हें निराशा हाथ लगी। इन माओं का कहना है कि हम डिटेंशन सेंटर में खुद को कैद कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को इस मुसीबत से हर हाल में बचाएंगे। आप लोग यहाँ डिटेंशन सेंटर में क्या कर रहे हैं? जी हम हमारे बच्चों को यहाँ जाने दें, तो हम खुद जाएंगे अंदर, हमारे बच्चों को जाने नहीं देंगे, यहाँ हमें अंदर नहीं जाना है, लेकिन में हमें किसी को जाने देने देना है, इस मुल्क में हमें आज़ादी से रहना है, हमने ये गुलशन चमन को खिलाया है, तुम लोग सब हमारे बच्चे हो बेटा, हम माँ हैं, हम लोग हमारे बच्चों को अंदर नहीं जाने देंगे, किसी कीमत पे नहीं जाने देंगे। मुंबई से आई हूँ, हाँ मैं मुंबई से सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आई हूँ, अपने बच्चों को आगे नहीं होने देंगे, हम आगे, हम हमारे बच्चों को आगे नहीं जाने देंगे। माँ तो माँ होती है, चाहे मुंबई से आई हो या वडनगर में कहीं बैठी हो, उसके आंचल से हमेशा बच्चों के लिए आशीर्वाद ही निकलेगा, और ये बात मोदी जी से बेहतर कौन जानता होगा। संसद पहुंचने से पहले उन्होंने खुद को माँ गंगा का बेटा बताया था, और बीते 6 सालों से हम देख रहे हैं कि हर साल मोदी जी के जन्मदिन पर उनकी माँ की तस्वीरें टीवी चैनलों पर खूब दिखती हैं। लेकिन शाहीन बाग की इन भारत माताओं की तकलीफ सरकार को क्यों नहीं दिख रही? खैर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शाहीन बाग में प्रदर्शन का ये सिलसिला जामिया की घटना के बाद से शुरू हुआ। अपने बच्चों की खातिर महिलाएं घरों से निकलीं और धरने पर बैठीं। अब इन महिलाओं का साथ देने के लिए जामिया के छात्र, अलुमनई और समाज के अलग अलग तबकों के लोग भी यहां पहुंच रहे हैं। जामिया पहले भी गांधी के उसूलों पर चलता रहा है, आज भी गांधी के उसूलों पर चलता रहा है, और अभी जो मिसाल दिए हमारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल,
वो काम नहीं कर सके जो हमारे जामिया के छात्रों ने करा है। हमारे जामिया के छात्रों ने एक जुल्म, जो जुल्म से बनी हुई हुकूमत है जो कि स्टूडेंट को मार रही है, हमारे छात्रों को पढ़ने नहीं दे रही है, वो नहीं चाहते देश के लोग पढ़े। कि इनका टारगेट जामिया या AMU या JNU नहीं है, इनका टारगेट है गरीब स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, जो कम पैसे दे के जो पढ़ना चाहता है, ये टारगेट उन बच्चों पर कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट हर जगह फेल हो चुकी है, इनके पास कोई रोज़गार नहीं है। आज की न्यूज़ है कि 16 लाख रोज़गार वापस लिए जाएंगे दोबारा से। 650 करोड़ डॉलर इन्वेस्टमेंट होना था इस मंथ, वो सारा चाइना शिफ्ट हो गया है। 650 करोड़ इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो गया चाइना में। देश की, मुल्क की हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोगों के पास काम धंधे नहीं है, रोज़गार नहीं है, इन्वेस्टमेंट कहीं से नहीं आ रहा है। फ्रॉड तरीके से प्रोपेगेंडा चलाकर ये NRC CA लेके आ गए, इसलिए फ्रंट पर ले आ दिया कि लोग पब्लिक इसमें उलझ जाए और सब कुछ भूल जाए। आपने जामिया में गुंडागर्दी को टैग दिया, आपने कहा जामिया में गुंडे पढ़ते हैं, पर जामिया में गुंडे नहीं पढ़ते। जामिया में पूरे देश का सबसे होनहार छात्र, सबसे होनहार दिमाग के लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ जामिया में नहीं, चाहे वो JNU चाहे वो AMU, हर जगह। ये एक उनकी बेसिकली उनकी खुद ही कोशिश है कि जो टॉप ब्रेन से देश के, आप उनको बर्बाद कर दो। वो जो हिंदुस्तान जो तरक्की की तरफ जा रहा था वो पीछे हटता चला जा रहा है। आप दूसरों को अपने मुल्क के अंदर लेकर आना चाहते हैं। जो मुल्क के लोग हैं वो खुशहाल नहीं, वो पीछे जा रहे हैं। नौजवान जो बच्चे हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, उनके पास रोजगार नहीं है। शाहीन बाग में बनाए गए लगभग 35 फीट ऊंचे भारत के इस नक्शे पर रोशनी से जगमगा रहा है हम भारत के लोग। इस शाहीन बाग में अमर जवान ज्योति है, इंडिया गेट है और संविधान बनाने वाले बाबा साहेब, सत्याग्रह की अलख जगाने वाले गांधी जी और देशभक्ति की मिसाल बने शहीद आजम भगत सिंह। ये सब महज प्रतीक नहीं हैं, बल्कि इनके नक्शे कदमों पर चलते हुए आजाद भारत के लोग फिर देश बचाने के लिए, आईन बचाने के लिए सत्ता को सीधी चुनौती दे रहे हैं। और अब इनके इस संघर्ष में पूरा देश साथ आ रहा है, खासकर महिलाएं। दिल्ली में खुरेजी, सीलमपुर, जाफराबाद जैसे जगहों के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, असम, पंजाब, इन तमाम राज्यों में महिलाएं घरों से निकलकर आंदोलन में शामिल हो रही हैं। और इस आंदोलन के पीछे न तो कोई सियासी दल है और न ही कोई संगठन। इतिहास गवाह है कि जब जब महिलाएं घर की चौखट पार करती हैं तो पहाड़ झुक जाते हैं, हवाओं का रुख बदल जाता है और समंदर खुद रास्ता देते हैं। इसीलिए सत्ता में बैठे लोगों से गुजारिश है कि इन महिलाओं की ताकत को कम न समझिए। खैर, शायर फना निजामी कानपुरी ने भी क्या खूब कहा है कि मौजों के इतिहाद का आलम न पूछिए, मौजों के इतिहाद का आलम न पूछिए, कतरा उठा और उठ के समंदर उठा लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए DB Live। नमस्कार।